नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर के बारे में जो सरकारी कर्मचारियों के लिए है। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस स्कीम का ऐलान किया है। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इससे 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अभी तक सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के अंदर आते हैं, लेकिन अब ये कर्मचारी एनपीएस में रह सकते हैं या यूपीएस स्कीम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बार यूपीएस चुनने के बाद फैसला पक्का हो जाएगा, बदल नहीं सकते। राज्य सरकारें भी चाहें तो अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस स्कीम लागू कर सकती हैं। महाराष्ट्र इसको लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 25 अगस्त 2024 को यह फैसला लिया। अगर सब राज्य यूपीएस अपनाते हैं तो 90 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से यूपीएस स्कीम के डिटेल्स और फायदे देख लेते हैं। कर्मचारी का योगदान होगा 10% बेसिक सैलरी प्लस महंगाई अलाउंस। नियोक्ता का योगदान होगा 18.5% बेसिक सैलरी प्लस महंगाई अलाउंस। फायदों में, अगर आपने 25 साल की सर्विस पूरी कर ली है तो आपको रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक पे का 50% मिलेगा। अगर आपने 10 साल पूरे किए हैं तो आपको 10,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट भी 18.5% बेसिक सैलरी का योगदान पेंशन फंड में करेगी और कर्मचारी 10% बेसिक सैलरी का योगदान करेंगे। फैमिली पेंशन भी सुनिश्चित है। पेंशनर की मौत के बाद उनकी पत्नी को 60% मिलेगा। महंगाई का भी ख्याल रखा जाएगा और सुपरेन्यूएशन के समय एक मुश्त राशि भी मिलेगी। यूपीएस स्कीम के रिटर्न्स भी पक्के हैं। अगर आपने 25 साल की सर्विस पूरी कर ली है तो 50% औसत बेसिक पे आपको मिलेगा और अगर आपने 10 साल पूरे किए तो 10,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। तो ये नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में सारी जानकारी। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ज़रूर इसके बारे में सोचिए और अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।